जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तो वो है फैक्टराइजेशन। देखिए, बड़े सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि फैक्टर्स कैसे बनाएं। तो देखिए, बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से इधर। हाँ जी, इधर देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। तो फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बड़ी आसान ट्रिक है। बड़े सारे बच्चों को परेशानी आती है 10th में, 8th में, 9th में। तो देखिए, जब 10th में आप पहुँचे तो तब बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, 8th में भी है। तो आप अभी से आप सीख लेते हो फैक्टर्स बनाना, तो आपको जो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे हमने ले लिया 4s2। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, 4s2 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या है, 4s2 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्लस 1 अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया आपका प्लस 1। अब देखिए, फैक्टर्स बनाने में, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने में सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको इस तरह की टर्म दी होगी, जो मैंने लिखी है, ये लिखी है ना 4s2, जो भी आपको टर्म दी होगी, ठीक है, उसके फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, ये इन दोनों की, इसकी और इसकी। ठीक है, तो चलो करिए, 4 × 1, ये ना 4 यहाँ है, फर्स्ट और लास्ट नंबर की, 4 × 1 इजिकल टू क्या होता है, 4। देखिए, 4 × 1 इजिकल टू क्या होता है, 4। फर्स्ट और लास्ट नंबर जो भी दिया हो, जहाँ 4 और लास्ट 1 है, अगर 5 और लास्ट में 2 होता, उनकी मल्टीप्लाई करके 10 आना था, तो जहाँ क्या है, 4 और 1, तो इनकी मल्टीप्लाई की, जब उन्होंने 4 और 1 की, क्या आ गया, 4 × 4। ठीक है, अब क्या करना है, एक स्टेप आपने कर लिया, सेकंड स्टेप देखिए, अभी क्या करना है आपने, दो नंबर, ठीक है, ये देखिए बीच वाला, पहले देखिए बीच वाला नंबर देखना है सेंटर में। अब क्या बचा, 4, सेंटर में क्या बचा, 4, तो सेंटर वाला 4 आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या किया करना है, क्वेश्चन दिया होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट क्या है, 4, लास्ट क्या है, 1, 4 × 1 = 4 आ गया। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके क्या आया, जो आया वो जहाँ लिख लेना है, और लास्ट सेंटर वाले नंबर को उसके आगे लिख लेना है, सेंटर में क्या है, 4, जो भी हो, समझ गए। अब देखिए, अब सोचना क्या है आपने, कोई ऐसा टेबल देखना है, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, कोई टेबल पढ़ना है, जिनको मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स ले लेने हैं, 1 2 2 2 जा, 3 2 जा, 5 2 जा, कोई भी टेबल ऐसा ले लेना है, जिन दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, 4। ये मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके क्या आए, 4। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, 4, और उन्हीं दो नंबर को जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, जिन नंबरों से, उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, सेंटर वाला नंबर। सेंटर वाला नंबर क्या था, 4। क्या करना है, उन्हीं दो नंबर को जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आएगा, उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, जो सेंटर में नंबर होगा, सेंटर में क्या है, 4। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें, जैसे अब हम नंबर ले लेते हैं, सपोज करो हम नंबर लिया, हमने नंबर लिया 4 × 4। ठीक है, अब 4 तो आ गया मल्टीप्लाई करके, आ गया ना 4 मल्टीप्लाई करके, 4 × 4। अब इन दोनों नंबरों को क्या प्लस करके सेंटर वाला नंबर आ जाएगा, सेंटर में क्या है, 4, क्या इन दोनों नंबरों को प्लस करके 4 आएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 5 चाहिए नहीं, क्या चाहिए, 4। अब इन दोनों नंबरों को माइनस करके 4 आएगा, 4 − 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इन दोनों नंबरों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 3। लेकिन हमें कौन से दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके सेंटर वाला नंबर आए, सेंटर वाला नंबर क्या है, 4। अब ये जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, लेकिन इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर भी आना चाहिए, लेकिन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 5 आता है, 4 और 1, और 4 में माइनस 1 करते हैं तो 3 आता है, लेकिन 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर हम नहीं लेंगे, कोई और नंबर लेंगे,
चलिए हम आपको बताते हैं कौन सा नंबर लेंगे। ये देखिए मैंने देखिए, अब टू टू ज़ा कितने होते हैं, ठीक है, टू टू ज़ा कितने होते हैं, ये देखिए, चलिए ये आगे आपका इसको हम कर देते हैं रब। हाँ जी, ये देखिए टू टू ज़ा कितने होते हैं, टू टू ज़ा फोर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया फोर, ठीक है, जो दोनों नंबरों फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही देखना था ना आपको, अभी बताया टू टू ज़ा फोर आ गए, ठीक है, अभी हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करके फोर आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, सेंटर वाला नंबर, ठीक है। अब टू टू ज़ा फोर है, आ गया मल्टीप्लाई करके फोर, अब प्लस और प्लस माइनस करके देखते हैं, टू माइनस टू क्या होगा, ज़ीरो, सेंटर वाला नंबर नहीं आया। अब प्लस करके देखते हैं दोनों नंबरों को, टू प्लस टू इतना हो गया फोर, इसका मतलब ये ठीक है, प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर आ जाना चाहिए, तो सेंटर वाला नंबर हमें मिल गया, मल्टीप्लाई करके टू टू ज़ा फोर भी आ रहा है और टू प्लस टू करेंगे तो सेंटर वाला नंबर भी आ जाएगा, बस इसका मतलब यही हमने लेना है, ठीक है, समझ गए क्या लेना है, टू टू ज़ा, ठीक है, टू टू ज़ा फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो भी आ रहा है और सेंटर वाला नंबर भी दोनों को प्लस करके आ रहा है, तो इसका मतलब टू टू ज़ा फोर जी हमारा नंबर ठीक है। अब देखिए करना आगे क्या है, चलिए आपको बता दें, थोड़ी सी यहाँ स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा नंबर आपको पता चल गया कैसे लेना है, तो ये देखिए अभी हमने क्या करना है, ये देखिए अभी पता चल गया, अब देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले जो टर्म है फोर एस स्क्वायर आ गया, आगे क्या है माइनस, माइनस का लिख देना होता है माइनस, आगे डालनी है आपने ब्रैकेट, दोनों नंबर लिख लेने हैं, सेंटर वाला नंबर आना चाहिए ना दोनों को, तो आ रहा है टू प्लस टू कितने होते हैं फोर, और टू टू जा कितना होता है फोर, ठीक है, यही नंबर लिया ना हमने, इंटू एस प्लस वन, बाकी वही का वही रहने देना है, ठीक है। देखिए अब फोर एस स्क्वायर का आ जाएगा फोर एस स्क्वायर माइनस माइनस टू इंटू एस, तो माइनस क्या आ गया टू एस, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई की, माइनस टू मल्टीप्लाई एस इजिकल टू टू एस, यही तो लिया हमने, ठीक है। आगे चलिए इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया और टू एस का आ गया फिर से टू एस, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस इजिकल टू माइनस, माइनस माइनस प्लस लिख लीजिएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है, ये देखिए माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है माइनस, और माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है प्लस, याद रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आपको समझा दी हमने, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी देखिए क्या आ गया आपका, ये हमारा आ गया आपका फोर एस स्क्वायर माइनस टू इंटू एस, टू एस माइनस मल्टीप्लाई तो करने आती है ना आपको, माइनस प्लस माइनस टू इंटू टू एस, और क्या बचा प्लस वन, ठीक है। अभी जी हमारा थोड़ा सा वो रह गया है फैक्टर, देखिए बनाने हम सीख रहे हैं, तो ये देखिए अभी क्या करना है, ये देखिए अब ऊपर से मैं रब कर लूँ थोड़ा सा, तो फिर आपको ये नीचे वाला, ये आपको टर्म याद है ना आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ ऊपर से, तो ठीक है। ये देखिए अब क्या करना है इसके बाद वाला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, ये देखिए अब फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन, फैक्टर्स बनाने हैं ना, अब इसको क्या करना होता है तोड़ना होता है, क्या करना होता है तो देखिए अब क्या करना है फैक्टर्स बनाने के लिए, दो जे पेयर बना लेने हैं, इन दोनों का क्या बन गया पेयर, जोड़े बना लेने हैं, पेयर क्या होते हैं जोड़े, जो बना लेने हैं। अब देखिए जोड़े बनाने का क्या फ़ायदा है, अभी पेयर बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ फोर है यहाँ टू है, अब इनमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेना था ना आपको, जहाँ फोर है और टू है, टू और फोर किसी टेबल में आते हैं दोनों, हाँ टू के टेबल में फोर भी आ जाता है और टू भी आ जाता है, एक तो ले लिया हमने टू, एस जहाँ भी है एस यहाँ भी है, तो एक एस हमने ले लिया बाहर, ठीक है, ब्रैकेट डाल दी। अब टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू आज फोर आ जाएगा, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा। अब जहाँ एस स्क्वायर है और हमारे पास जहाँ एक एस है, तो एक एस जहाँ और लगा लेना, एस इंटू एस क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, तो टूट गया, आगे क्या है माइनस, अब टू एस मल्टीप्लाई करके टू एस आना चाहिए, तो टू एस है हमारे पास, किसके मल्टीप्लाई करेंगे टू एस को, टू एस आ जाएगा वन से, टू एस बन जाए टू एस, ये हो गया। अभी एक याद रखिएगा, जो जहाँ ब्रैकेट में आया है ना
वही सेम आपने जहाँ लिख देना है आगे में, टू एस माइनस वन जो भी हो आपका सवाल, जो ब्रैकेट इधर आए वही ब्रैकेट डाल देनी है। अब सिंपली आपने क्या देखना है, ये वाला पेयर देखना है, एक पेयर का काम हो गया। अब दूसरा पेयर देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है, टू एस प्लस वन, टू एस प्लस वन, अब ये हमें मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बनना चाहिए टू एस मल्टीप्लाई, मतलब इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो बना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा हमारा फर्स्ट वाला पेयर। अब ऐसे ही इसको हम ऐसा नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये जो है ये वाला यही बन जाना चाहिए माइनस टू एस प्लस वन। अब टू एस तो है हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन भी है माइनस वन से। अब माइनस वन इंटू टू एस को मल्टीप्लाई करेंगे, वन से टू एस आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस एक ये माइनस आ गया, एक ये माइनस आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, तो ये आएगा प्लस आ गया ना, और वन वन जा वन, वही रकम बन गई, वही टर्म बन गई ना। देखिए ये क्या है, फोर एस स्क्वेयर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन, हमने क्या किया कॉमन निकाल के ये बना लिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये देखिए इसको हम कर लेते हैं रब, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, टू एस इंटू टू एस क्या आएगा, फोर एस स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। आगे आ गया माइनस है ना, ये देखिए माइनस आ गया, माइनस टू एस इंटू वन को टू एस से मल्टीप्लाई की, टू एस आ गया, और माइनस माइनस प्लस वन वन जब वन, तो देखिए वही बन गया। इसी को हमने तोड़ा ना अभी, इसी का हमने जे बनाया ऊपर वाला, इसी चीज़ का हमने क्या बनाया जे वाला, तो देखिए इसको तोड़ेंगे वही बनना चाहिए, इसलिए हमें एक कॉमन चीज़ होती है, कॉमन बनाते हैं इसको, इसमें कॉमन लेते हैं हम, समझ गए, मतलब टूट के अगर इसको फिर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो वही बन जाए। हमने क्या किया ऊपर कॉमन ले लिया, ठीक है, ये आपको देखने के लिए बताया। अभी आगे क्या करना है आपने ये देखिए, अभी टू एस जो ब्रैकेट वाला है वो एक तरफ लिख लेना है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक साथ लिख लेना है। ब्रैकेट के बाहर एक तो टू एस है, एक माइनस वन है, टू एस माइनस वन, और क्या है एक ब्रैकेट में क्या है, टू एस माइनस वन, ठीक है। अब देखिए टू एस माइनस वन ये भी क्या है, टू एस माइनस वन, ठीक है। अब देखिए जब इसके फैक्टर्स निकालने हो हम क्या लिखते हैं, टू एस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और टू एस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, लिख लीजिए, मैं रब कर लेता हूँ, जगह थोड़ी कम है, ये ऐसे लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, टू एस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और टू एस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये टू एस है ना, इसको यहीं रहने दिया, ये जो माइनस वन है ये इस साइड, जब इजिकल टू के आगे कोई टर्म चली जाती है माइनस की तो उधर जाके क्या हो जाती है, प्लस की, माइनस वन साइन चेंज हो जाता है, अगर जहाँ प्लस होता तो उधर रहते माइनस हो जाता, लेकिन जहाँ माइनस है इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, आर का आ गया आर। अब यहाँ क्या है, टू एस माइनस वन, तो जब माइनस वन उधर जाएगा किसका हो जाएगा, टू एस इजिकल टू प्लस वन, ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। चलिए अब हम एक और स्टेप कर लेते हैं लास्ट, तो ये देखिए, ये देखिए अब एस हमें क्या निकालने होते हैं, फैक्टर एक्स दिया हो, टी दिया हो, यू बी डब्ल्यू एस, यहाँ एस दिया है वो टर्म सिर्फ खाली रहनी चाहिए, तब तक हमने करते रहना है। तो ये एस अब यहाँ छोड़ देना है, वन का वन आ गया, और जिस टर्म की मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाके कहाँ हो, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। अगर प्लस माइनस होता बीच में तो आगे चला जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई जुड़ा हो जो साथ में, ये टू इसके एस के साथ जुड़ा है ना बीच में कुछ नहीं, तो ये नीचे चला जाएगा, और जहाँ भी आ गया एस इजिकल टू टू उधर चला गया वन अपान टू। बस फ्रेंड्स ये ही हैं आपके फैक्टर्स, क्या आया एक एस इजिकल टू वन अपान टू, एक आ गया एस इजिकल टू वन अपान टू, दोनों सेम आ गए, ये होते हैं फैक्टर्स, ऐसे निकालते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में आपको कॉपी पे समझा देता हूँ, नोटबुक के नोटबुक पे जहाँ रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, तो एक और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, चलो देख लीजिए वो भी, ठीक है, चलिए।